वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार को लेकर एक अपडेट आई है। बेसिकली सालार के क्लाइमैक्स को लेकर एक अपडेट आई है। और गाइस, अगर मैं बोलूं कि ये अपडेट अभी तक की सबसे बड़ी यूनिक, कमाल की और अनबिलीवेबल सी अपडेट है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इस अपडेट को जस्ट वेरीफाई करने के लिए एक दो दिन मैंने लगा दिए। एक दो दिन पहले से मुझे ये न्यूज़ मिल रखी है, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जगह से मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और मज़े की बात मुझे कहीं से पता नहीं चला। लेकिन अपडेट ऐसी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बगैर रह ही नहीं पाया। अब क्या सारा सीन है वो बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोज़ भी आपको लाकर देता रहूँ। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने सालार के क्लाइमैक्स पर आपको लास्ट भी एक वीडियो बनाकर दी थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि बहुत बड़ा क्लाइमैक्स होने जा रहा है। बहुत बड़ा से मुराद मींस के लगभग 20 से 25 मिनट का क्लाइमैक्स होगा। अब गाइस, जब मैंने इतना बड़ा बोला तो मैं भी सोच रहा था कि इतने बड़े क्लाइमैक्स का क्या सीन हो सकता है, मींस के ये एक बहुत बड़ी आधे घंटे का क्लाइमैक्स बनता है। तो गाइस, अपडेट जब अभी आई है तो मेरे माइंड में डायरेक्ट क्लिक हुआ कि ये सीन भी तो हो सकता है। अपडेट ये है कि प्रशांत नील ने 400 लोग मींस के 400 पीपल रेडी किए हैं जस्ट फॉर सालार क्लाइमैक्स। मींस के अब ये 400 पीपल फाइटर हैं क्या हैं कुछ भी नहीं पता, लेकिन जस्ट इतना गाइज अपडेट आई है सालार के सेट से कि 400 लोगों के साथ मिलकर प्रशांत नील सालार का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं। 400 लोग, मतलब कि अब देखिए, अगर मैं प्रशांत नील की लास्ट फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की बात करता हूं तो केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत लोग थे, लेकिन 400 लोग नहीं थे, कम थे। 100 कह सकते हैं हम, 100 लोग होंगे या मे बी इससे भी कम या इससे थोड़े से ज़्यादा, लेकिन गई सालार के केस में 400, तो ये क्या होने जा रहा है। मैंने बोला था ना, ये परेशान नीला कुछ ऐसा करने जा रहा है कि देख एक दवा हेल जाएंगे सब। तो गाइस, 400 लोगों के साथ अब ये क्या करेंगे, क्या सीन होने वाला है, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बाकी गाइस, ये अपडेट मैं पहले बता दूं, ऑफिशियल मुझे कहीं से नहीं मिली, लेकिन गाइस मैं जिधर भी देख रहा हूँ 400 400 400, तो मे बी पॉसिबल हो, हम कह भी सकते हैं। लेकिन अगर गाइस नहीं भी होता तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल गाइस आप लोग मानना मत, आप जस्ट चिल करो, इंजॉय करो कि अगर 400 लोग होते हैं तो भाई क्या तबाही लाने वाले हैं ये लोग, अलग लेवल की हाइप होगी, मतलब कि देख कर मजा आ जाएगा। और वैसे भी अगर प्रशांत नील का जहां पे नाम आता है तो उस बंदे को अच्छे तरीके से पता है कि उसने इंटरवल और क्लाइमैक्स कैसे करना है। आप लोग जस्ट केजीएफ चैप्टर 2 को छोड़ो ना, केजीएफ पार्ट 1 का ही क्लाइमैक्स देख लो या फिर आप इंटरवल देख लो, और केजीएफ चैप्टर 2 के तो इंटरवल क्लाइमैक्स की बात ही मत करो ना, एक अलग ही वो चीज़ है। तो सालार का कैसा होगा, ओ भाई साहब तबाह। तो खैर दोस्तों, अभी तक के लिए तो ही, हम सबको वीडियो पसंद पसंद चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, और अगली आने वाली वीडियो में लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।